क्योंकि मालेगांव शहर की आवाम अच्छी तरह से जान चुकी है कि आसिफ शेख ने जो काम किया है, जो ठान लिया है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। समझ में आ गई ना? ये घर की माँ बहनों के दिमाग में भी आपको डालना पड़ेगा कि अब शेख रशीद का पंजा नहीं, घड़ी निशान। सियासी बात करना है, सियासी वार करना है, सबके लिए हमारी तैयारी है, लेकिन सियासी लड़ाई होना चाहिए। जातियों से आपके हमारे महबूब लीडर अली जनाब शेख रशीद साहब का इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इस्तकबालिया जलसे के सदर मोहतरम, 100 एमएलए हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर आसिफ शेख, मंच में बैठी हुई मालेगांव शहर कॉरपोरेशन की राष्ट्रवादी की मेयर, अरे अब हम शामिल हो गए ना मेयर समेत, तो मेयर किसका है जी? अभी इलेक्शन 3 महीना है। ऐसे ताहिरा शेख स्थायी समिति के चेयरमैन हमारे जफर अहमद अहमदुल्ला, सभागुरु नेता समंसारी साहब, तमाम ही कारपोरेटर हजरात, सभी साबिक कारपोरेटर बाजी में बैठी हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तमाम पदाधिकारी बहने, मंच में बैठे हुए तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार, हमारे राजू भैया, अरकाश पाटिल के छोटे भाई साबिक कारपोरेटर पप्पू साहब और दोस्तों, तमाम मेरे चाहने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, राजू भैया जो है तो अलाम सिंह नहीं हो रही आज, ये अखबारों के जरिए जो साथियों ने दावतनामा जिम्मेदारों तक पहुंचाया उनके जरिए, और मैंने अखबारों के जरिए और बाइक एक बाइक दिया था, और उसके मुताबिक मेरे चाहने वाले तमाम साथियों ने इस जलसे को ताकत के साथ जो कामयाब बनाया, मैं ऐसे तमाम नौजवानों का, तमाम बुजुर्गों का, तमाम साथियों का जिन्होंने जिम्मेदारी निभाई, ऐसे तमाम साथियों का, सभी कॉर्पोरेट हजरात का जिन्होंने अपने साथियों को यहां तक लाने में कोशिश की, मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत मेरी ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम जिम्मेदारों की ओर से आप तमाम लोग का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस्तकबाल करता हूं और आसिफ भाई ये बतला है कुर्ता पकड़ने की बात, सही बात है कि मैंने एक मर्तबा पत्रकार से बोला था कि यहां के आज के आमदार साहब अगर दोनों ये साथ और ये साथ इनसे अगर सर पे से हाथ हटा लेंगे
तो कहीं के रहने वाले नहीं। इनकी नैया डूब जाएगी दोनों। मुझे तो समझ भी नहीं आता कैसा एमएलए है हमारा, जो पार्टी में रहता है उस पार्टी को रहते हुए धोखा देता है। गलत बात है क्या? अरे एमआईएम पार्टी से छुटकर आने वाला इंसान तीसरा मास क्यों मनाता है? इसका मतलब उसकी नियत में खोट है, नियत में खराबी है। ऐसे इसके पहले जब वो राष्ट्रवादी के टिकट के ऊपर उम्मीदवारी इन्होंने की, हार गए आसिफ भाई के सामने, ये अलग बात है। लेकिन उनके जितने कॉर्पोरेटर बीच चुन करके आए थे वो राष्ट्रवादी थे। फिर राष्ट्रवादी के साथ गद्दारी की और एमआईएम का टिकट लेके इन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। सात कॉर्पोरेटर को एमआईएम ने लेके चले। अच्छा एमआईएम से चुनकर आए, जब महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना की जब सरकार बनने जा रही थी तो इनके तो 12 एक्टों के अंदर दो एमएलए चुनकर एक मालेगांव एक धुलिया। लेकिन मालेगांव के एमएलए सीनियर थे, अब धुलिया वाला भैया भी क्या करता, इनकी ही सुनेगा। इन्होंने फिर दांव पेच चला, फिर धोखेबाजी करी। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री जो आज के शिंदे साहब है, इनसे टोकन ले लिया 50-50 लाख रुपए। काय के लिए? जो महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार बनी उसको वोट देने के लिए, जो भी डीलिंग हुई होगी। लेकिन उसके बाद भी महागठबंधन से फिर धोखा दे दिए, फिर नियत में खोट आ गई। शायद ऊपर मालूम पड़ गया, हैदराबाद में प्रेशर आ गया, नौ नोटिस रह गए। नुकसान हुआ यह अलग बात है। अच्छा जितना शिवसेना और बीजेपी के खिलाफ ये लोग बोलते हैं, जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो जाता, अगर हम दावत देते हैं, अगर आवाम की, जनता की, शहर की इतनी मोहब्बत है, पिछले टाइम में भी हमने दावत दिया था, संदेशा लेकर के उनका ही कॉर्पोरेटर हमारे चेयरमैन साहब के भाई नबी अहमद आए थे। मैंने बोला जाओ तुम्हारे लीडर से बात करके आओ। लेकिन उसके अंदर भी वो जनता दल के साथ और ये बाकी आज के एमएलए साहब, इनकी नीयत ठीक नहीं थी। इनको तो क्या लगता है, पूरे शहर की आवाज जानती है। हजरत को क्या लगता है? अब मेरे तरफ से उनको कुछ मिलने नहीं वाला था। दो बड़ी पार्टियां थी, हम 28 थे, ये 20 थे, तो कुछ मिलने का सवाल नहीं थी, खाली होते बढ़ जाते थे। लेकिन वो बीजेपी की तरफ दौड़ रहे, दादा भाव की तरफ दौड़ रहे। हुआ ऐसा कि आप लोग देखे होंगे उनके साथ में उनका उम्मीदवार जो था नबी अहमद, इनके वो 7, बीजेपी के 9, इनके 20, बीजेपी की वोट मिली थी या नहीं मिली थी? जफर अहमद मिली थी ना?
नबी अहमद को। इसीलिए दोस्तों सिर्फ शहर की आवाम को ये इंसान गुमराही करते रहेगा, बेवकूफ बनाते रहेगा और अपनी कुर्सी हमेशा कायम रखने की कोशिश करेगा। यह अलग बात है मौलाना, ये आजकल बहुत परेशानी जा रही है जनाब को, ऐसे माल की आवाज ही नहीं है। अब आसिफ भाई ने बताया कि अभी महागठबंधन हो गया फिर से, लेकिन दोस्तों अब ये जो पूरा आवाम जो है ये अच्छी तरह जान चुके हैं, ये चाहे कितना भी वर्ग लाएंगे तीनों मिलके, लेकिन आप लोगों को ये आने वाले टाइम में मैं नहीं समझता कि मालेगांव कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लेट होगा। जो लेट होना थे पुणे औरंगाबाद नासिक या बाकी और दीगर शहरों का इलेक्शन कॉर्पोरेशन का ओबीसी का मसला है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रही है, मेरा ख्याल है आने वाली 7 तारीख को शायद वापिस उसकी हेयरिंग है। केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई है, अलग अलग रियासत अलग अलग राज्य के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, महाराष्ट्र सरकार और अपोजिशन पार्टियां ने मिलकर के ठहराव किया था अभी महाराष्ट्र असेंबली में, गवर्नर की उसके ऊपर साइन हो गई, वो भी वहां सबमिट हो जाएगा। हो सकता है 1-2 महीने के अंदर उसका कोई ना कोई निर्णय आ जाए, और इसीलिए मैं समझता हूं कि मालेगांव कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, अपने वक्त के ऊपर होगा। मई में पिछला इलेक्शन मई में हुआ था 25 तारीख को, और दोस्तों 28, 29, 27, 25 ऐसा नहीं, अगर शहर के अंदर सही मानों में पूरी तरह से शहर को कॉन्क्रीट रास्ते अगर बनाना है, गली पूरे बड़े बड़े रास्ते, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी मेजॉरिटी किसी का सपोर्ट ना लेना पड़े, और वो काम हम उम्मीदवार या कारपेंटर या लीडर नहीं कर सकते, ये आप लोग सब मिलकर के कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 3 कभी पैनल हो गया तो उम्मीदवार बढ़ सकते हैं हर पैनल में, लेकिन आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहत जरूर सबकी आप लोगों की रहती है छोटे बड़े कार्यकर्ता के साथ, लेकिन पार्टी का तुम्हारा और शहर का नुकसान ना हो। अगर कोई गलती से इधर उधर हो गया टिकट नहीं मिलने पर, तो आपका वोट के अंदर बंटवारा नहीं होना चाहिए, जो पार्टी के उम्मीदवार आपकी अपनी पार्टी, कल कुछ और थी मेरे साथ आप लोग, लेकिन आज मैं मेरे कारपोरेटर तुम चाहने वालों ने मेरे साथ सभी ने प्रवेश कर लिया ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, घड़ी घड़ी तो आप लोगों को आने वाले टाइम में आप अगर चाहे 90 सीट हो गई है पूरे कॉर्पोरेशन में अभी 84 के बजाय 95 सॉरी, तो कम से कम आपको 48 सीट देना है, 48-50 सीट दोगे तो हमको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह।
लेकिन इसके अंदर आप लोगों की होशियारी, आप लोगों की चालाकी, आप लोगों को दबाना पड़ेगा। अगर कोई हमको तुमको छोड़ के जाता है दूसरी तरफ, अगर आपने अगर उसको दबा दिया तो उसकी ताकत और हिम्मत नहीं कि वो आपके खिलाफ चले जाए, वो भी आपके साथ रह के पार्टी का काम करना चाहिए। ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, ये आसिफ भाई के लिए, ये कारपोरेटर के लिए नहीं बोल रहा। शहर के अंदर विकास सही ढंग से हो, डेवलप सही ढंग से हो, और ये कांग्रेस आज की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इसके अंदर जो ऑल इंडिया नेतृत्व जो है, बुजुर्ग रहनुमा शरद चंद्र जी पवार साहब और दूसरे अजीत दादा पवार, जयंत पाटिल साहब, ये हमारे पालक मंत्री, हमारे नेता, ये लोगों को जो मैं देख रहा हूं, जब से मैं 1999 में पहली टाइम आमदार बन के गया था, कांग्रेस राष्ट्रवादी और दोस्त पार्टियों की सरकार थी, ये अलग बात थी कि मेरे पीछे उस वक्त तो विलासराव साहब थे, लेकिन मैं इन लोगों को देखा हूं कि इनके आमदारों को, इनके नगर अध्यक्ष को, इनके महापौर को, इनके छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को जो ढंग से ताकत पहुंचाते, शहर के अंदर जो विकास करते, विकास निधि जो देते, ये हमेशा हमसे आगे रहे। आज अगर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा भी हो तो उसकी वजह है दोस्तों, मिलासराव जैसे लोग लीडर नहीं है, वैसा कांग्रेस पार्टी का ढांचा नहीं रह गया है गली से दिल्ली तक। लेकिन अगर आज हम आए भी नहीं कांग्रेस पे, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो भी कांग्रेस है ना कहीं कांग्रेस लगा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस जिसका निशान है घड़ी, घड़ी समझ में आ गई ना। ये घर की मां बहनों के दिमाग में भी आपको डालना पड़ेगा कि अब शेख रशीद का पंजा नहीं, घड़ी निशान है। क्या हमारी मां बहनें बड़ी भोली रहती है, कोई कोई से अगर कोई पूछ लेता क्या खाला किसको दिए, बोले शेख रशीद के पंजे में दिए ना, तो इसीलिए समझाने की जरूरत है कि अब शेख रशीद का पंजा नहीं, पंजे के अंदर जो घड़ी है अब वो निशान है। इसलिए जितने भी पूरे शहर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जिनका निशान घड़ी रहेगा, उनको ही कामयाब बनाना पड़ेगा। बाइक वाइक तो मैं भी सुनते नहीं, तो झूठे आदमी पर, वैसे तो मैं व्हाट्सएप चलाता नहीं, इत्तेफाक से एक आध बाइक देखने में आ जाए। अबे जब जवान खोलता बोलता झूठ, मुंह खोला झूठ बोला नहीं, यही काम है उत्साह, यही काम है। हर जगह ढूंढते रहते हैं कहां भैया पैसा मिल जाएगा, शर्म नहीं आती उनको अंदर होकर के आयुक्त को रेक्टर से बुलाना चाहिए, उठता रोज छूटता आयुक्त के ऑफिस में आके बैठ जाता, मेरे समझ में नहीं आती। अरे अंदर है ये कारपोरेटर है, अब दूसरा कोई काम नहीं रहता, आप मेरा कोई काम नहीं कर रहे हो, आप खाली आसिफ शेख, शेख रशीद का, उनके ही कारपोरेटरों का काम करते हो। अरे भैया तेरे काम कर रही कहां से आता, काम करना आता तो झूठ बोलता कि गटर रोड रास्ते बनाना ये कारपोरेशन का काम है। बोले एमएलए का काम वो रहता है, एमएलए जब चुन के जाता है
तो वह कानून बना था, इतना बेवकूफ समझते हैं शहर के आवाम को, कानून भी समझते थे। अरे इसको मराठी जबान नहीं समझती, मराठी बोलना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश बोलना नहीं आता, कैसे कानून समझेगा? मदरसा बंद ही देखे सऊदी अरब में है क्या? अजीब बात है सर। अच्छा होशियार पिए भी रखता नहीं तो कोई समझा ले, उठता लेटर छापता, लेटर टाइप करता, साइन कर देता, कोई मंत्री के पास जाता, मंत्री लेटर लेता रख लेता, वो इंडक्स को मारता कि नहीं मारता, बाहर आता एक चैनल वाला साथ पे ले जाता, बाइक दे देता, 5,000 मंजूर, 5 करोड़ मंजूर। अरे किधर है वो मंजूर? वो सबीर सेठ के साथ तो नहीं, तेरे साथ कहते रहेगा? अरे भैया खाली लेटर देने से मंजूर थोड़ी होता पैसा भेजो को। उसके लिए कोई बहुत तजुर्बे की बात नहीं है, ये मालेगांव की आवाम इतनी तजुर्बेकार, इतनी अनुभव वाली है, सब समझता है इसको। अब बहुत हो गया पिछले 5 साल और ये 5 साल बेवकूफ बनाना, ये नियत क्यों खराब है? तीसरे पास से सीट आएगी दादा मुझे मेरे को मदद कर देंगे, ऐसी नियत, ऐसी नियत नहीं है कि तीसरे मास से लड़ाएंगे और सेकुलर पार्टी को बोलेंगे भैया चलो हम तुम्हारे साथ है, बना तुम्हारा महापुरुष तुम्हारे लोग ज्यादा है, वो नियत नहीं है इनकी, खुद नियत खराब है। वो एक बकरे की बात समझ में आती, बकरा। अच्छा मीटिंग में कैसे सहूर वाले लोगों को भेजते, अच्छी संजीत के लोगों को भेजते। पिछले दिनों न्यायालय में साहब के टाइम पे महापुर जब न्यायालय में साहब बने थे उस वक्त तो भी एक ठहरा हुआ था, बाबा साहब अंबेडकर जी का वहां खड़ा पतला बैठा था, एकात्म चौक था, कोई वजह से फिर उसके अंदर रुकावट आई, मीटिंग तयकुब हो गई थी। आज याकूब कॉर्पोरेटर, याकूब मोहम्मद यूनुस हुसैन जवान कंपन, एजाज उमर साहब मेंबर थे, तयकुब मीटिंग का विषय दोबारा ला करके मंजूर हुआ था न्यायालय में साहब के दौर सदारत में, पूछो यार। आज मेरे टेम या आसिफ भाई के टेम या आज के महापुर के टेम विषय आता है, सबको अधिकार है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ में मौलाना आजाद और कई ऐसे दानिशवार लोग थे उस वक्त तो, जिनको जवाबदारी कानून बनाने की दी गई थी, देश का संविधान बनाने के लिए दिया गया था, तो हमको मोहब्बत से विरोध ना करते हुए संविधान बनाने वाले इंसान का सम्मान रखना चाहिए और यह कहना चाहिए उनके चाहने वालों को कि यार हमारी नमाज नहीं होगी, आप जगह बदल लीजिए। वो बेवकूफ आता बकरा, हमारे बाप पहले की 48 एकड़ जमीन थी, अबे तो कुछ है पेपर पे बेवकूफ, वो कमेटी का चेयरमैन में था, वो आया बात क्या करना चाहिए? अरे भाई ठीक है, खान अब्दुल रहीम खान साहब को उस वक्त तो अंग्रेजों ने दिए होंगे, मानता हूं मैं, लेकिन फिर तुमने उसके बारे में किया क्या? अरे भी पहले अंदर मालेगांव शहर के हुए साबिर अब्दुल सत्तार,
उसके बाद में हारून अहमद अंसारी मेरे उस्ताद दो टेम हुए, न्यायाल अहमद 6 टेम हुए, फिर जब क्यों नहीं कराएंगे भैया पेपर दाखिल करके कोर्ट में जाना था ना। ये जो बात आसिफ भाई ने बतलाया, ये शहर की आवाम को मालूम नहीं है कि ईदगाह की जो खाद जमीन जो है वो सही मानों में सिर्फ 20 घंटा है। और ये जो बात इन्होंने बतलाया कि उस वक्त तो बाकायदा ये तय हुआ कि यहां पे शासकीय प्रोग्राम 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और पुलिस परेड और ईद बकरीद या बारिश वगैरह नहीं आती है, ऐसी नमाजें वहां होंगी। अब उसके अंदर अगर अपनी ये बात बोलोगे, हमारी बाप दादा की 48 एकड़ थी तो क्या सबूत है? क्या कोई सबूत नहीं है? जबान से निकालना मुझे सबूत है क्या? इसका मतलब ये चाहते इतना उलझा दो इस मामले को, इतना उलझा दे कि कल कोई हिंदू भाई या बीजेपी वाला कोर्ट में चले जाए और हमको बोले कि तुम 20 ही घंटे के ऊपर नमाज पढ़ोगे। ये वातावरण खराब करना चाहते, सुलझाना नहीं चाहते इस मसले को, ये शहर की फिजा खराब करना चाहते। इनका मकसद सिर्फ इस शहर की फिजा खराब करना है, इस शहर के अंदर अमन कायम रखना नहीं है। वरना मैं छोटे से बड़ा हुआ, जो 12 तारीख का जो बंद पुकारा गया था हमारे घर शहर, ऐसा बंद मेरी अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। लेकिन सिर्फ बंद बोला गया था, फिर जुलूस निकला क्यों? क्यों वर्गला गया लोगों को? क्यों गरीब अमीर व्यापारी लोगों की जज्बात से खेला गया और उनके रास्ते पर उनको लाया गया? बेवकूफों ने उनको जेल में भिजवा दिया और खाली बातें करते हैं। अरे कानून की तो बात ही है ना कि 93 में जो सेशन कमिट घुने होते हैं उसकी चार्जशीट दाखिल होती है। अब तू जाएगा जो आईजी को, जिला एसपी को चार्जशीट दाखिल करते थे, कितने दिन रहेंगे? 4 तारीख, 8 दिन के बाद तो चार्जशीट दाखिल होगी, 3 महीना पूरा हो जाएगा। और सबसे डेंजर कलम उसके अंदर लगी है, जो पलानी का विषय जो उसने खुद बोल दिया जा जुटे ने, वो 120 पी की कलम जो है वही बहुत डेंजर है। सरजील इमाम 2.5 साल के बाद दिल्ली का छोड़ा, यही कलम थी। तो किस तरीके से लोगों को अड़का दिया गया? ये काम हमारे लोगों से होता नहीं कभी, हम कभी दंगल भड़काते नहीं, शहर की आवाम को वरगलाते नहीं। हम चाहते हैं हमें साक्षरता मालेगांव शहर में कायम रहे। जो मालेगांव 20 साल पहले फसाद हो गया, बदनाम हो गए एक मरतबा, और 20 साल से छवि ऐसी बनी थी, इन लोगों के वजह से मालेगांव की फिर से छवि खराब हुई। तो दोस्तों इस बात को हमेशा के लिए हमको याद रखना चाहिए, नौजवानों को हमारे घर के बुजुर्गों से वोट देना चाहिए, या जिसकी हम सुनते हैं, जिसकी मानते हैं, उनसे बात कर लेना चाहिए कि ऐसे मामले में हमको जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सही बात है, अल्लाह के रसूल के लिए जान देने की अगर बात आए, अल्लाह के रसूल के लिए तो हम जान देने के लिए कभी भी तैयार है। लेकिन जो अल्लाह के रसूल के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, मजहब के नाम पे जो हमसे खिलवाड़ करेगा, ऐसे लोगों के लिए कभी जाना मत। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया होगा, किसी को कोई बात गलत लगी होगी, अल्लाह से माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। घड़ी मेरी माँ ने क्या खबर किस रंग में ढाला मुझे, मेरी माँ ने क्या खबर किस रंग में ढाला मुझे, बल के कांटों ने पिनाई फूल की माला मुझे। चौथे मिसरे पे आसिफ शेख रशीद साहब का इस्तकबाल जिस तरह हम लोग करते हैं, हमेशा उसी तरह से करना है कि
रफीक खजूरवाला साहब की खिदमत में भी गुलाय मोहब्बत पेश कर रहे हैं। मेरी माँ ने क्या खबर किस रंग में ढाला मुझे, बड़ के कांटों ने पिनाई फूल की माला मुझे, बड़ के कांटों ने पिनाई फूल की माला मुझे। गौर से देखो तो मैं था एक अकेला आईना, गौर से देखो तो मैं था एक अकेला आईना, तुमने पत्थर मारकर लश्कर बना डाला मुझे। गौर से देखो तो मैं था एक अकेला आईना, तुमने पत्थर मारकर लश्कर बना डाला मुझे। उसी तरह से अपने हाथों को खोले आपके हमारे महबूब लीडर कायदे नस्लेनौ अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब का, जोरदार तालियों से पूरा पिंडाल इस्तकबाल करे मोहतरम आसिफ शेख रशीद साहब माइक पर तशरीफ ला। मंच पे तशरीफ फरमा शेख रशीद साहब, तायरा शेख रशीद साहिबा, राजेंद्र भोसले साहब, पप्पू पाटिल साहब, तमाम ही कॉरपोरेटर, स्टैंडिंग चेयरमैन, एक्स स्टैंडिंग चेयरमैन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेरे तमाम ही ओहदेदार साथी, तमाम ही सेल के अध्यक्ष, स्टेज के बाजू में बैठे हुए तमाम ही मेरी बहनें, मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम ही बुजुर्ग हजरात, तमाम ही नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से शेख रशीद साहब, तायरा शेख रशीद साहिबा और 28 कॉरपोरेटर और सभी कॉरपोरेटर और कई हमारे साथी जो मुंबई में 27 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए, आज ऐसे तमाम ही लोगों को मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से शहरी इस्तकबाल आज आप और हम लोग मिलकर दे रहे हैं। ऐसे तमाम ही हमारे साथी, मैं सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही ओहदेदारान, तमाम ही हमारे वन बूथ इलेवन यूथ के तमाम ही नौजवान साथी और खुसूसी तौर पर इस जलसे को कामयाब करने के लिए जो अपना टाउन दिया नईम पटेल साहब और मन्नान बेग साहब और तमाम इस इलाके के हमारे साथियों का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। जहां तक मुझे समझता है कि इस ग्राउंड के ऊपर हमारा यह पहला जलसा है, इससे पहले हमने कभी भी इस ग्राउंड के ऊपर जलसा नहीं लिया। कई सियासी पार्टियों के जलसे यहां पर होते हैं और हमने जानबूझकर हमने ये ग्राउंड के ऊपर जलसा लेने का ऐलान किया, क्योंकि ये गुमान नहीं होना चाहिए दूसरी सियासी पार्टियों को कि सिर्फ ये ग्राउंड हम ही भर सकते हैं और हमारा ही जलसा कामयाब हो सकता है। और आज तो कोई सियासी मावल नहीं है, सिर्फ शेख रशीद साहब और तमाम ही हमारे साथियों का ये इस्तकबालिया जलसा है और आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने वो कर दिखाया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि हमारे में भी इतनी ताकत है कि हम कोई भी शहर का ग्राउंड भर सकते हैं।
आज मैं बहुत तामीर और तरक्की की बात नहीं करने वाला हूं, आज मैं जवाब देने की कोशिश करने वाला हूं। हमारे शहर के हमारे मुखालिफ पार्टियों के सियासी लीडरान हम खामोश रहते, हम कोई जवाब नहीं देते तो वो उसका कुछ गलत मतलब निकालते हैं। असलम भाई ने कहा ना कि इतने झूठों से पाला पड़ा है कि कौन कौन सी चीज का जवाब देंगे। शहर के अंदर दो तीन मामला बहुत गर्म है, ईदगाह जॉगिंग के कॉरपोरेशन को क्या सफाई देना थी दे दी गई, ऑफिसरान को जो सफाई देना था वो दे दी गई, ये हमारा मस्जिद और मीनारों का शहर है। और जिस ईदगाह के ऊपर जॉगिंग ट्रैक की बात की जा रही, इत्तेफाक से उस ईदगाह का इमाम जो अपने आप को ताहयात बोलता है वो शहर का एमएलए भी है। मेरी नजर उस मामले के ऊपर लगी हुई थी, मैं सोच रहा था कि वक्त आएगा तो जवाब भी दिया जाएगा और सवाल भी पूछा जाएगा। मामला 23 जनवरी को संघ बुनियाद रखा जाता है जॉगिंग ट्रैक का सुबह 6 बजे और 30 तारीख तक शहर का एमएलए खामोश रहता है, खामोश कुछ नहीं बोलता। मेरे पास सब सबूत लेकर मैं आज आया हूं, क्या वजह है? मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हो सकती है 19 या 20 जब वहां पर खुदाई का काम शुरू किया गया, सिर्फ ईद का ग्राउंड या पुलिस ग्राउंड के ऊपर जॉगिंग ट्रैक नहीं बनने वाला बल्कि कॉलेज ग्राउंड के ऊपर भी जॉगिंग ट्रैक बनने वाला है। उस इलाके का एक बीजेपी का लीडर जो चंद मुसलमानों को बुलाकर जो कॉलेज उसकी है वो बुलाकर खुफिया मीटिंग उसने की, पुलिस डिपार्टमेंट मेरी बात को नोट करे और तहकीक करे, खुफिया मीटिंग बीजेपी के लोगों के साथ की गई और उसके बाद जो चंद मुसलमानों को बुलाया गया उसमें मेरे पास भी मैसेज आया कि आप आवाज उठाओ, आप आवाज उठाओ। वो मुसलमानों को लड़ाना चाहता, और इस्तेमाल करना चाहता। उसके बाद मेरे कान पे बात आई, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर वो दूसरे घर गए, वहां पर से कुछ आवाज आई, फिर उसके बाद तीसरा घर गया, उसके बाद से ज्यादा आवाज आने लगी। मुझे बताओ, अगर मंत्री को मिलना है मंत्रालय में
मैं जमीयतुल उलमा के खिलाफ नहीं हूं, मैं जमीयतुल उलमा के उहदेदारान के खिलाफ नहीं हूं। या उस वक्त के अंदर कोई वकील शामिल होगा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मेरा सवाल है कि बाड़ा साहेब थोराज से अपॉइंटमेंट किसने लेकर दिया, इसका जवाब यह शहर जानना चाहता है। क्यों शहर के एमएलए ने अपॉइंटमेंट लिया, टाइम लिया था, और उस वक्त के अंदर शहर का एमएलए क्यों मौजूद नहीं था, इसका जवाब भी इस शहर के आवाम को चाहिए। क्या वजह है? मंत्री एमएलए को पहले टाइम देते, एमएलए का मंत्री की मुलाकात होती, इसके पीछे भी बीजेपी के लीडर की साजिश है। और पूरी चक्री अगर आप देखेंगे, पूरा ग्राउंड, पूरी प्लानिंग, तो बीजेपी का लीडर इसका मास्टरमाइंड निकलेगा। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, इसका जवाब देना होगा। मैं आज साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि लड़ाई दो सिंधों में क्यों की जा रही है। जॉगिंग ट्रैक की लड़ाई दो सिंध में क्यों की जा रही है? एक सिंध तो यह है, ट्रस्टियान अलग अपना मेमोरेंडम लेकर मीटिंग कर रहे हैं, और दूसरी सिंध तो यह है कि जमीयतुल उलमा अलग मेमोरेंडम लेकर चल रही है। यह लड़ाई क्यों है? पहले इसका भी जवाब इस शहर के आवाम को देना होगा, इसका जवाब देना होगा। और जब इलेक्शन आएगा, तो जब ऐसा इशू गरम करके, ऐसा मसला गरम करके इस मजहबी शहर के लोगों का इस्तेमाल करने का काम, मैं इसके लिए आवाज बोल रहा हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो क्यों कि इस मंच पे बैठे हुए क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरान मुसलमान नहीं है, क्यों हमको दावत नहीं दी गई, क्यों हमारे पास नहीं आया गया, क्यों अपनी दुकान अलग लगाई जा रही है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारी नीयत खराब है। अगर तुम्हारी नीयत में खुलूस होता, नीयत साफ होती, तो सभी लीडरान को बुलाकर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर उस मसले को हल किया जा सकता। लेकिन आपकी नीयत खराब है, और आपका मास्टरमाइंड बीजेपी वाले अगर आपको चला रहे हैं, तो फिर जो हो रहा है वो तो होना ही है। हम बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहते कि सबसे पहले टेबल के ऊपर बैठ के बात होना चाहिए, चाहे सरकारी ऑफिसरान हो, चाहे हिंदू भाई इगरान हो, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो, एक आला बैठक होकर वो मसले का हल होना चाहिए। वो सरकारी जमीन 20 घंटा जमीन ईदगाह की है, 20 घंटा जो ईदगाह ट्रस्ट, जो कैम की, ये कैम की ईदगाह थी, उसका ट्रस्ट कैम के लोग थे, अभी भी कैम के लोग उसके अंदर शामिल है, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। जो फाउंडर ट्रस्ट का है, आज तक मुझे नजर नहीं आए, आज तक मेमोरेंडम पे सही नहीं, आज तक वो कहीं फोटो में नजर नहीं आए। सिर्फ 20 घंटा जमीन, और उस वक्त अब्दुल रहमान अंतोले साहब चीफ मिनिस्टर थे, ये करार हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ कि ईद के लिए, बकरीद के लिए, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई, महाराष्ट्र डे, और पुलिस के प्रोग्राम जो सरकारी हो गए, उसके लिए पूरी जमीन इस्तेमाल की जाएगी, ऐसा मुश्तरका मेमोरेंडम तैयार किया गया उस वक्त। और चार दीवारी उस ग्राउंड की नहीं उठना चाहिए, यह भी उसके अंदर दर्ज है। यह असल बात है, कानूनी और सच्चाई। लेकिन मेरा सिर्फ यह बोलना है, सवाल यह है कि इस मेमोरेंडम बाड़ा साहेब थोराज को जो दिया गया, उसमें एमएलए क्यों नहीं,
अपॉइंटमेंट किसने लिया, कौन से बीजेपी के लीडर ने दिया, इसका जवाब ये शहर की आवाम को आपको देना पड़ेगा एमएलए साहब। ये मेरे पास पेपर कटिंग है। हम नहीं चाहते अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, सरकार के एग्रीमेंट के खिलाफ हो रहा है, तो हम भी चाहते नहीं होना चाहिए। हमारा बिल्कुल साफ तौर पर यह बोलना है। दोस्तों और साथियों, 12 नवंबर सबको याद है, 12 नवंबर को हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई, मालेगांव बंद का ऐलान किया गया, उसमें हम भी शामिल थे, पूरा शहर शामिल था। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि पुरअमन तरीके से कामयाब हुआ। अब जो सारा हॉस्पिटल के पास हुआ, उसके बाद सियासत शुरू हो गई। जो भी फत्तरबाजी हुई, और पहले ही दिन से राष्ट्रवादी के लोग, जनता दल के कॉरपोरेटर, फला राष्ट्रवादी के कॉरपोरेटर कुसुम्बा रोड शहीद अब्दुल हमीद के रोड पर रहने वालों को बदनाम किया गया कि उधर से लोग आए। उसी दिन रात में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उसी दिन इस बात का ऐलान किया। कल भी हमारा मानना था, आज भी मानना है, और कल भी ये बात हम मानते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि बाहर के लोगों का हाथ था उस दंगे को भड़काने के लिए, बाहर के लोगों का हाथ था। उस वक्त भी मैंने कहा, आज भी बोल रहा हूं और कल भी यही बात बोलूंगा। पुलिस चौकसी करे और लेटर दिया हूं राइटिंग में, अलग बात है पुलिस ने कोई उस पर एक्शन नहीं ली, लेकिन मैं तमाम ही सुन्नी तंजीमों, चाहे रजा एकेडमी हो, सुन्नी जमीयतुल उलमा हो, या सियासी लीडरान हो अलग अलग पार्टियों के, जो जेल में है और जो नौजवान जेल में है, मैं उनके परिवार और वो तमाम ही लोगों से मेरा ये सवाल है कि आज तक जमानत क्यों नहीं हुई। यह अलग बात है कि सियासी लोग जो है उनकी मजबूरी है, उनको सब समझता है कि किसने हमको फंसाया और कौन नहीं चाहता कि हम इलेक्शन तक नहीं छूटे। क्योंकि जब तक ये कुर्ता नहीं पकड़ेंगे, इनकी नतिया पार होने ही नहीं वाली है। इनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि जमानत क्यों नहीं हो रही। ये मेरे पास 8 दिसंबर की ये कॉपी है, जब पहली मर्तबा जमानत रखी गई तमाम ही लोगों की, तमाम ही लोग जो सलाखों के पीछे है उनकी एक साथ जब जमानत रखी गई, उसके बाद जो पुलिस ने से दाखिल किया कोर्ट के अंदर, ऑब्जेक्शन जो पुलिस ने लिया, ये उसकी कॉपी मेरे पास है। पहले मैं एक बयान सिर्फ तुमको सुनवा देता हूं, उसके बाद इसके ऊपर मैं बात करता हूं। आपको मैं सुनवा दूं, फिर उसके बाद आप सारा हॉस्पिटल के पास, वहां पत्थर वगैरह थे नहीं, पत्थर बाकायदा ला करके वहां डाला गया था। यह आवाज शहर के एमएलए साहब की है। किसकी है? वापस सुनाओ, आवाज पहचाने। ये वीडियो भी वायरल कर दूंगा।
शहर के एमएलए साहब क्या बोल रहे, वहां पत्थर नहीं थे, पत्थर लाए गए और वहां पर प्री प्लानिंग की गई। ये उसके दूसरे दिन ही उन्होंने बयान दिया था, वो मेरे पास मौजूद है। पुलिस ने जो ऑब्जेक्शन लिया कोर्ट में, पुलिस ने क्या बोला अपने ऑब्जेक्शन में, अपने से में जमानत के खिलाफ, उन्होंने ये कहा, ये देखो कैमरा में, ये जो पीली अंडरलाइन है ना, इसके अंदर साफ तौर पर लिखा है कि ये जो घटना हुई ये प्लानिंग के तहत, वहां पत्थर नहीं थे, वहां पर पत्थर लाए गए और एक बड़ा फसाद कराने की साजिश थी, इसके लिए इसकी चौकसी करना बाकी है, कई आरोपी फरार है, इसलिए इनको जमानत नहीं देना, ये पुलिस ने सेह दाखिल किया। मुझे बताओ पुलिस को ये रास्ता किसने बताया? पुलिस को ये रास्ता शहर के एमएलए ने बताया और शहर के एमएलए की लिखी हुई बात पुलिस ने पकड़ ली और इसको मुद्दा बनाकर आज तक उन लोगों की जमानत नहीं हो रही। ये जिम्मेदार ये शहर का एमएलए है, जो लोग आज जेल के अंदर है, जो जमानत नहीं हो रही, शहर का एमएलए जिम्मेदार। कब तक धोखा दोगे? ये शहर के आवाम को समझना है, वो दीनी तंजीम के लोगों को समझना है, वो सियासी पार्टी के लोगों को समझना है कि तुम्हारी जमानत क्यों नहीं हो रही। ये पेपर हमारे पास और ऐसे कई पेपर मेरे पास है, वक्त वक्त के ऊपर आवाम के बीच में हम लाएंगे। क्या बात है? शहर के एमएलए साहब ने पावर कंपनी, अभी एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, ये पावर कंपनी शेख आसिफ की लाई हुई देन है। असलम भाई सही बोल रहे हैं कि इतने झूठों से पाला पड़ा कि हम किस किस चीज का उनका जवाब देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि 1 मार्च 2020 को पावर कंपनी की शुरुआत मालेगांव शहर के अंदर हुई। 1 मार्च 2020 को अक्टूबर 19 तक मैं एमएलए था, 20 में मुफ्ती इस्माइल एमएलए थे, तुम क्या 6 महीना, अभी क्या बोलूंगा, भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आज बोल रहा हूं कि कंपनी के कौन से एमडी से इनकी कहां मीटिंग हुई, कैसी डीलिंग हुई, इसका जवाब इस शहर की आवाम को तुमको देना पड़ेगा। मेरे एमएलए के बाद में 6 महीना जब आप, मेरा टर्म खत्म हुआ, मैं इलेक्शन हार गया, उसके 6 महीने के बाद पावर कंपनी आई, तुम दुश्मनी निकाल रहे इस शहर से। अगर तुम सोचोगे कि हम जवाब नहीं देंगे, ये इल्जाम मुझ पर आते कि मेरी पार्टी के लोग पावर कंपनी में काम करते, अगर कुछ लोग काम कर रहे होंगे, अगर रोजी रोटी के लिए, तो एक अलग बात हो सकती है, ये साबित भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इतने दूध के धोए हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, ये आपका लेटर है मेरे हाथ में, ये लेटर है, आपने 12/1/2021 को सीओ पावर कंपनी के नाम पर मोहम्मद हासिम एमबीए इनके नाम की सिफारिश की कि इनको जॉब पर लगा कर दो, ये मेरे पास लेटर है, ये सबूत है,
कि किसके लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर। अगर आपको कंपनी से इतनी दुश्मनी थी, अगर आप कंपनी के खिलाफ थे, तो आप अपने कार्यकर्ता अपने वर्करों को क्यों कंपनी के अंदर लगाए, इसका जवाब भी शहर के आवाम को देना पड़ेगा। ये सबूत मेरे पास में है और इसीलिए हमने पहले भी ऐलान किया, आज दोबारा कि पीर के दिन हम एक मोर्चा निकालेंगे। आज उनका जवाब आया है, कल हम उसके ऊपर सोच विचार करके फैसला लेंगे। लेकिन उसके खिलाफ अगर कंपनी जुल्म करेगी, अत्याचार करेगी, बुनकरों को गरीब को परेशान करेगी, तो राष्ट्रवादी खामोश बैठने वाली नहीं है। इस बात का मैं ऐलान करता हूं। मुफ्ती इस्माइल साहब, आप तो YouTube चैनल वालों को जवाब देने से कतरा रहे हो। ये शहर ये जानना चाहता कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में तुम कौन से सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये सिंबल तुम्हारा है, तुम कौन से सिंबल पर इलेक्शन लड़ने वाले हो। आपने अपने भाई को तीसरा मास का सदर बना दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। आपके बच्चे को मेंबर बना दिया, जाहिद जुम्मन साहब को मेंबर बना दिया, मालिक बकरा साहब को मेंबर बना दिया, मक्की सेठ को मेंबर बना दिया। मेरी मालूमात के हिसाब से तीसरा मास रजिस्ट्रेशन हो गया। इस शहर की आवाम को ये जवाब दो कि तुम कौन से सिंबल पर इलेक्शन लड़ने वाले हो। और जो जनता दल और MIM कहां जाएगी, इसका भी जवाब चाहिए। और ये तो इतने लाचार है, जनता दल भी MIM भी इतने लाचार है, इतने लाचार है। मैं तो आज अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है, ये शहर के नौजवान, ये शहर के बुजुर्ग, ये शहर की मां बहनों, इस शहर की आवाम पर इतना भरोसा है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर मर्दाना वाला इलेक्शन लड़ना है तो सब अलग अलग आ लो, आ जाओ। और कितने पानी में कौन है ये जो दो हाथ का ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में कर रहे। मर्द वाली बात करो, मर्द वाली, सब अलग अलग आ जाओ और लड़ लो, दो दो हाथ कर लो। इसमें है कितना दम, ये शहर को भी तो पता चल जाए। ये लाचार लोग हैं, आज बोल रहा हूं, इनका महागठबंधन हो चुका। और कहां पता है, नासिक के सिविल हॉस्पिटल में मुस्तकीम डिग्निटी साहब वहां 10 दिन के लिए इलाज कराने आए थे, बोले चेस्ट पेन हुआ। वहां पर ये सब एक जगह जमा हो गए, सबकी गाड़ियां एक टाइम पे एक वक्त पहुंची पहुंची और पहुंचने के बाद कहा कि मैं तो आपको बहुत छुड़ाना चाहता हूं, लेकिन शेख आसिम ने फंसा दिया। फिर दूसरा बोलता, ये बात बिल्कुल सच है कि अपनी लड़ाई का फायदा शेख आसिम ले रहा है। अल्लाह के वास्ते सब अब एक हो जाओ, सीट बांट लेंगे, लेकिन इत्तेहाद को बाकी रखो। ये वहां पर बात हो गई। अब ये शहर में एक अजीब बात है, कुछ भी हुआ तो पेपर वाले जब तक शेख आसिफ का नाम नहीं लिखेंगे, जब तक मुखालिफ बोलेंगे नहीं, वो न्यूज आगे नहीं बढ़ती। ये न्यूज आगे नहीं बढ़ती। इनका महागठबंधन की भी हमारी तैयारी है, ये अलग लड़े तो कम से कम इसमें है कितना दम ये समझ रहा है, कौन कितना बहादुर है। और ये महागठबंधन भी बनाए तो इंशाअल्लाह ये शहर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेयर बैठेगा, ये अल्लाह की जात से मुझे। ये बात का ऐलान आज हम लोग करते हैं।
मैं शहर के अंदर मुसलसल 6 महीने से घूम रहा हूँ, हर गली हर मोहल्ले के अंदर जा रहा हूँ। तो मेरी माँ बहने मुझको बोलती है कि केसरी कार्ड के ऊपर हमको अनाज मिलना चाहिए, केसरी कार्ड के ऊपर अनाज मिलना चाहिए। ये मेरी माँ बहने जो गली से जाओ वो बोलती है कि केसरी कार्ड के ऊपर राशन बंद हो गया। मैं आज इस बात का ऐलान करता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्मों से छगन भुजबल साहब से मिलकर उनसे बात की जाएगी और मालेगांव शहर के अंदर किस तरीके से केसरी कार्ड के ऊपर अनाज मिले इसकी कोशिश इंशाल्लाह हम लोग चंद दिनों के अंदर शुरू करेंगे। आप लोग इत्मीनान रखे, शहर का एमएलए बिल्कुल नाकाम हो चुका, वो नहीं कुछ कर सकता है, लेकिन हम लोग इस शहर के गरीबों के लिए आप लोगों के लिए हम लोग तैयार है। आप लोग इत्मीनान रखे, इंशाल्लाह हम लोग वो काम जरूर करेंगे। दोस्तों और साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं और मेरे साथी थे, हमने मेहनत की, जद्दोजहद की, पार्टी को खड़ा करने का काम हम लोग कर रहे थे और शेख रशीद साहब, तायरा शेख रशीद साहिबा और तमाम ये कॉर्पोरेटर ये हमारे साथ एक मजबूत ताकत पहले भी थे और आज भी है और शेख रशीद साहब की क्यादत में इंशाल्लाह हम लोग इस शहर के अंदर एक मर्तबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेयर बनाएंगे। इस बात का वादा आप और हम सबको मिलकर करना है, करोगे? तैयारी है आप लोगों की? बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं 2 मिनट की तकरीर मेरी रह गई थी। आजकल मालेगांव शहर में जो सियासी हालात है, हम किसी की जातियात पर नहीं बोल रहे, हम किसी को चौक चौराहे के ऊपर बैठ के गालियां नहीं दे रहे, हम विकास दौलत की बात कर रहे, आवाम के मसाइल हल कर रहे। लेकिन कुछ लोग मछली बाजार के अंदर आकर मुझको और मेरे परिवार को जात के ऊपर गालियां दे रहे, या कहीं हकीके के अंदर जाके गालियां दी जा रही, या कहीं पर जाकर बैठ के गालियां दी जा रही। तो मैं सिर्फ उनको इतना कहना चाहता हूं, मेरा मैसेज वो समझ जाएंगे कि अगर जातियात पर गालियां तुमको देना है तो मेरा ये भी चैलेंज कबूल करो कि फिर कौन शख्स ने, कौन सी डॉक्टरनी से, धोखे से नोटरी बनाकर निकाह किया था। मेरी इंसानियत है कि चौराहे पर नहीं आ रहा हूं। अगर आज के बाद मैंने सुना कि जातियात के ऊपर गालियां दी जा रही है तो फिर वो नोटरी आवाम के बीच में लाऊंगा कि कौन सी डॉक्टरनी को कब निकाह किया, कैसे धोखे से निकाह किया गया, आवाम के बीच में लाऊंगा। मुझे बोलने मत लगाना, मैं एकदम साफ अल्फाज में बोल रहा हूं, सियासी बात करना है, सियासी वार करना है, सबके लिए हमारी तैयारी है, लेकिन सियासी लड़ाई होना चाहिए, जातियात की नहीं। आप लोगों का मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा अल्लाह देता है, ये हस्ती खेलती रंगीनियां अल्लाह देता है, हमारे आंगनों को बेटियां अल्लाह देता है, ये हस्ती खेलती रंगीनियां अल्लाह देता है, हमारे आंगनों को बेटियां अल्लाह देता है, वो जिसको देखकर सारा जमाना रश्क करता है, कुछ ऐसी औरतों में खूबियां अल्लाह देता है। मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहबा, जिनकी कारकर्दगी किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, आपके हमारे माशरे की, आपकी हमारी बेटी, आपकी हमारी माँ, मैं इस वक्त बहुत अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और आप अपने हाथों को खोलें, जोरदार तालियों से मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहिबा का इस्तकबाल करें।
इस्तकबालिया जलसे आम के सदर मोहतरम आसिफ शेख रशीद साहब, स्टेज पर बैठे हुए शेख रशीद साहब, हमारे स्टेज पर बैठी हुई सभी मोहतरमा, सभी कारपोरेटर साहबा और इस तरफ बैठे हुए सभी कारपोरेटर साहब, माजी कारपोरेटर साहब, हमारे कारपोरेशन के सबग्रो नेता असलम अंसारी साहब, स्थायी समिति चेयरमैन जफरुल्ला साहब और हमारे मंच पर बैठे हुए तमाम पार्टी के जिम्मेदारान और इस जलसे में आए हुए सभी बुजुर्गों और भाइयों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, आज इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में यह उमड़ता हुआ सैलाब, यह सरों का समुंदर इस बात की गवाही देता है कि मालेगांव शहर विकास और डेवलप के साथ है, आसिफ शेख के साथ है, काम करने वाले लोगों की जरूरत मालेगांव शहर के लोगों को है, ये आज आप लोगों ने साबित कर दिया। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जब जब भी मालेगांव शहर में शेख रशीद खानवादा इक्तदार पर आता है और इक्तदार मिलने के बाद मालेगांव शहर का काम काज बहुत तेजी से पूरे शहर में दिखाई देता है। आज 2012 की जो आप लोगों की वोटों के कारण जो मालेगांव शहर में इक्तदार शेख रशीद साहब को मिला, शेख रशीद साहब के खानवादे को आप लोगों ने वहां पर बिठाया, यानी मुझे ही आप लोगों ने मेयर बनाया, उस वक्त के काम, उसके बाद शेख रशीद साहब की कारकर्दगी, इससे आसिफ साहब की कारकर्दगी, आप लोगों को ये अच्छी तरह समझता है कि काम करने वाले लोग कौन है और कौन मालेगांव शहर को तामीर और तरक्की की तरफ ले जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि झूठे लोग जो झूठा वावेला मचाकर और मालेगांव शहर की आवाम को आज तक बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, ये मालेगांव शहर की आवाम अब अच्छी तरह से जान चुकी है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ हम मालेगांव शहर के डेवलप के लिए, विकास के लिए इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी, ये पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी है कि यहाँ पर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी इज्जत और मकाम हासिल होता है और उनकी भी रिस्पेक्ट होती है, उनके भी मसाइलों को बहुत गौर और फिक्र से सुना जाता है और हमारी राष्ट्रवादी पार्टी के लीडर उनके मसाइलों का हल निकालते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमको ज्वाइन करना पड़ी, क्योंकि हमें अब मालेगांव शहर की तामीर और तरक्की को पीछे नहीं ले जाना है, आगे की तरफ ले जाना है। अभी बहुत सारे लोग मुखालफिन के, तो आज मैं समझती हूँ भाइयों और बहनों के, मुखालफिन के आज पेट में बहुत जोर का मरोड़ चालू होगा, क्योंकि ये समंदर देखकर उनको आज रात की नींद उनकी हराम हो गई होगी, आज चैन से सोने वाले नहीं है वो लोग, क्योंकि उनको फिक्र हो गई होगी कि अरे अब मालेगांव शहर की आवाम को किस तरह गुमराह करेंगे, किस तरह बेवकूफ बनाएंगे। हम तो मजहबी लिबादा पहनकर, हम मजहबी नारों का इस्तेमाल करके, और हमने तो वोटें हासिल कर ली असेंबली में भी और कारपोरेशन में भी, लेकिन अब बेवकूफ मालेगांव शहर की आवाम बनने वाली नहीं है, क्योंकि मालेगांव शहर की आवाम अच्छी तरह से जान चुकी है कि आसिफ शेख ने जो काम किया है, जो ठान लिया है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। तो ये बात अब हमारे मालेगांव शहर वालों को पता चल गई है। मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि जो आज से पहले और आज के बाद जो भी लोग हमारे बीच में आएंगे और हम लोगों से वही सारी बातें करेंगे कि अगर आप लोगों को
फला फला पार्टी को वोट देना है, फला फला पार्टी से ये सारी बातें करेंगे जो भी गुमराही हमारे बीच फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मजबूती के साथ इसलिए हमको एक साथ होने की जरूरत है कि हमको किसी के बगैर सपोर्ट के, हमें किसी के बगैर सपोर्ट के हमें पूरी अपनी सरकार वहां पर बनाना है, यानी शुद्ध सरकार बनाना है। और ये कब होगा? जब हम सब एक साथ हो जाएंगे। और हम सब एक साथ होने का मतलब हम लोग गुमराह नहीं होंगे, और हर वार्ड से हमको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी बहनों तले इलेक्शन लड़ना, राष्ट्रवादी के मेंबर को चुनकर हमको शुद्ध सरकार बनाना है। और किस तरीके से हमारी पार्टी मालेगांव शहर में मजबूत हो, इसके लिए हर एक शख्स अपने आप में आसिफ शेख होगा। ये बात का आज अहद कर ले कि मैं खुद, मेरा लीडर हूँ शेख रशीद हूँ, मैं खुद आसिफ शेख हूँ, ये बात अपने आप में आप लोग अहद कर ले। और इस तरीके से मन बना कर हमको इक्तदार तक पहुँचना है, चाहे वो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन अनकरीब है, वो इलेक्शन को देखते हुए हमें आज से तैयारी करनी है। मुखालपिन सिर्फ और सिर्फ गुमराही की सियासत कर रहे हैं। आज सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है, ना उनमें कोई दम है फंड लाने का, ना ही कोई तजुर्बा है, ना ही कोई तरतीब है, ना ही उन्होंने आज तक कहीं से महाराष्ट्र शासन से या केंद्र शासन से कहीं से भी उन्होंने कुछ फंड लाकर मालेगांव शहर में कोई कामकाज नहीं दिया। जब कामकाज नहीं किया तो वो खड़े रहकर बताएंगे क्या? मैंने तो बार बार स्टेज से उनसे कहा है कि अगर आप लोगों को आसिफ शेख का और शेख रशीद साहब का मुकाबला करना है तो सामने स्टेज लगाइए, हम अपने काम गिनाएंगे, आप अपने काम गिनाओ। लेकिन उनके पास काम ही नहीं है तो वो हमारे सामने स्टेज क्या लगाएंगे? काम किया हो तो काम की बातें होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे कामों में रोड़े अटकाने का काम ये मुखालफिन कर रहे हैं। जहाँ पर आज आप लोग देख सकते हैं कि मालेगांव शहर में चारों तरफ काम का जाल बिछा हुआ है, ये कब हो सका? जब आप लोगों ने अपनी भरपूर वोटों से, दुआओं से नवाज कर तो आप लोगों ने इक्तदार की सीढ़ियां चढ़वाई, तब मालेगांव शहर में आज चारों तरफ कामों का जाल बिछा है, तो ये आप लोगों की वोटों की बदौलत हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मुखालपिन यही काम कर रहे हैं, और वो वही काम आप आए तकमील तक करने वाले हैं, क्योंकि काम करने की उनकी कोई चाहत नहीं है, काम करना उनको आता नहीं है, उनको ये भी नहीं समझता है कि गवर्नमेंट से फंड किस तरह लाया जाए। और बोलते हैं आसिफ मुझे काम करने नहीं देता। मुझे बताओ कि घर में अगर कभी सास बहू को बोलती है कि वो ऐसा बोल सकती है कि काम मत करो, ये काम तुम मत करो, कोई सास अपनी बहू को नहीं बोलती है कि ये काम तुम मत करो, कोई लीडर एक लीडर को कैसे बोलेगा कि तुम ये काम आप मत करो? मुझे बताओ, आसिफ शेख काम करने नहीं देते और वो हमारे आलिमदीन काम नहीं करते, ये भी कोई मानने वाली बात है? अरे कोई जाहिल की भी समझ में आ जाएगा कि वो ये इस तरीके की जो बातें करके आप अपना दामन बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल फजूल है, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि आप काम करने नहीं दिया जा रहा है या आप काम करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मालेगांव शहर पिछड़ा रहे, मालेगांव शहर परेशान रहे, मालेगांव शहर की आवाम हमेशा मुश्किलात में रहे, मालेगांव शहर की आवाम को कोई राहत नसीब ना हो, ताकि मालेगांव शहर की आवाम को परेशानी में के हाल में देखकर मैं बार बार उनसे उनकी वोटों का इस्तेमाल करूं। तो ये काम कर रहे हैं वो, जो आपको समझने की जरूरत है। अभी बहुत सारा वक्त आएगा, बहुत सारी बातें होगी कि हम और आप आमने सामने होंगे, बहुत सारी उनकी बातें आप लोगों के सामने रखी जाएगी, लेकिन मैं मालेगांव शहर की आवाम से इतना ही कहना चाहती हूँ कि बस बहुत हो गया,
अब राष्ट्रवादी के बैनर तले हमको मजबूती के साथ खड़े रहना है और मजबूती के साथ मालेगांव शहर के हर हिस्से से राष्ट्रवादी के मेंबर को चुन कर देना, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से हम कॉर्पोरेशन में राष्ट्रवादी का मेयर बैठा कर और मालेगांव शहर का डेवलप कर सके, मालेगांव शहर की अमीर तरक्की कर सके, क्योंकि आसिफ शेख भी मजबूत है गवर्नमेंट से फंड लाने के लिए। फंड लेकर आएंगे और मालेगांव शहर को सिंगापुर बनाना है तो आपको हर एक को मजबूती के साथ खड़े रहना होगा। मुझ मेरे पास बहुत सारे मुकर्रीर हैं, इन लोगों की बातों को आपको सुनना है, इसके लिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। लेकिन मैं एक बार फिर बोलूंगी आप लोगों को कि राष्ट्रवादी के बैनर तले अब अपना निशान घड़ी होगा। घड़ी क्या होगा? एक बार बोलो, घड़ी होगा। हाँ, तो हमको घड़ी निशान पर ही मोर लगाना है और राष्ट्रवादी के बैनर तले जहाँ भी राष्ट्रवादी का उम्मीदवार खड़ा होगा, हर वार्ड में मालेगांव शहर के चारों तरफ सिर्फ राष्ट्रवादी नजर आनी चाहिए। आज हमारे सभी भाई बुजुर्ग, मेरी तमाम माँ और बहने याद कर लें, क्योंकि मालेगांव को तामीर और तरक्की की तरफ ले जाना है। अब मालेगांव शहर बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, अब आगे की सीमत ले जाना है। बहुत आप लोगों का वक्त लिया, उसके लिए आप तमाम लोगों ने काफी देर से सभी लोगों की बातों को सुना, आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।